नमस्कार मित्रों, मैं सुनील कुमार आज फिर आपके लोकप्रिय चैनल साइंस एक आर्ट पर उपस्थित हूँ। विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मादा जनन तंत्र को लेकर यहाँ पर आप देख रहे हैं। यह मादा जनन तंत्र की आंतरिक संरचना है, विभिन्न प्रकार के अंग यहाँ पर दिखाए गए हैं इस चित्र के माध्यम से। और चूंकि नर जनन तंत्र की अपेक्षा मादा जनन तंत्र की संरचना काफ़ी जटिल होती है, क्योंकि मादा जनन तंत्र को विभिन्न प्रकार की क्रियाएं पुरुष जनन तंत्र की अपेक्षा कुछ अधिक क्रियाएं करनी होती है, इसलिए इसके जो अंग होते हैं थोड़ा सा जटिल होता है। जैसे हम लेंगे कि मादा जनन तंत्र का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वह शुक्राणुओं को ग्रहण करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुक्राणु पुरुषों के जनन तंत्र में उत्पन्न होता है और अंडाशय जो है वो महिला के जनन तंत्र से उत्पन्न होने वाला जनन एंजाइम है, जो कि पुरुषों और स्त्रियों के अलग अलग भाग में स्रावित होता है। इसके बाद यह जनन या महिलाओं का जो जनन तंत्र होता है या शुक्राणुओं को ग्रहण करता है, युग्मनज को पोषण प्रदान करता है। इसके बाद प्रवर्धन का भ्रूण का प्रवर्धन और उसका विकास करना होता है। ये सारी क्रियाएं इन सारे संरचनाओं के माध्यम इन सारे जनन तंत्र के माध्यम से होता है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि यह संरचना है गर्भाशय का। ये पूरा अंग क्या है, ये गर्भाशय है जो एक चौड़ानुमा भाग होता है। ये अंडाशय, ये दोनों तरफ अंडाशय स्थित होता है। इसके बाद ये फॉलोपियो नलिका है जो शुक्राणुओं का अंडाणुओं का ये करता है गर्भाशय तक लंबे ले जाने का काम करता है। इसके बाद ये योनि है, ये अंडाशय, ये अंडाणु है जिसका उत्पन्न अंडाशय में होता है। और ये जो है जिसको हम लोग फिम्बरी गर्भाशय कहते हैं, जो गुलनुमा संरचना है, इससे अंडाशय में बारी बारी से जो अंडाणुओं का निर्माण होता है वो इसको पकड़ करके इसी नालिका के माध्यम से फॉलोपियो नालिका के माध्यम से गर्भाशय के संपर्क में लाता है, जहाँ पर ये जो हम देखे हैं योनि मार्ग के माध्यम से पुरुषों का शुक्राणु, ये तीर के माध्यम से दिखाया गया है कि शुक्राणु किस तरह से गर्भाशय तक जाता है और अंडाणुओं के संपर्क में आता है और फिर वहां पर भ्रूण का निषेचन होना प्रारंभ होता है, विकास होना प्रारंभ होता है इस गर्भाशय के अंदर। तो हम देखेंगे बारी बारी से देखेंगे महिला मादा जनन तंत्र के बारे में। सबसे पहले हम आते हैं अंडाशय पर। ये क्या है कि यह स्त्री शरीर के उदर गुहा के ठीक नीचे और दाएं तरफ तथा बाएं तरफ दोनों तरफ स्थित होता है। ये जो देख रहे हैं आप अंडाशय दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ स्थित होता है और इसका महत्वपूर्ण कार्य है अंडाणुओं को उत्पन्न करना, जो दोनों तरफ होता है। इसमें भी अंडाणु उत्पन्न होते हैं, इसमें भी अंडाणु उत्पन्न होते हैं, लेकिन बारी बारी से होता है। और यह बारी बारी से उत्पन्न अंडाणु फिर इसी फिम्बरी गर्भाशय जैसी के द्वारा पकड़ लिया जाता है और इसके माध्यम से फलोपियो नलिका के माध्यम से गर्भाशय के संपर्क में आता है। दूसरा काम है इसका मादा हार्मोन या एस्ट्रोन। मादा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और प्रोटेस्ट्रोजन का स्राव करना। यह प्रायः 10 से 11 वर्ष की उम्र में अंडाणुओं का निर्माण तथा मादा हार्मोन जो यह दिखाया गया है हार्मोन एस्ट्रोन और प्रोटेस्ट्रोन, ये दो हार्मोन जो है 10 से 11 वर्ष की उम्र से स्राव होना प्रारंभ होता है। मादा हार्मोन के स्राव से ही मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट होता है, जैसे स्तनों का विकास होना, गुप्तांगों में बाल का उगना, नितंबों का फैलाव होना। ये क्या है, द्वितीय लैंगिक लक्षण है जो 10 से 11 साल की उम्र के बाद से यह प्रकट होने लगता है। इसका कारण है कि मादा हार्मोन का स्राव जब से शुरू होता है, ये जो दो हार्मोन दिया गया है मादा हार्मोन, ये 10 से 11 साल में इसका स्राव प्रारंभ होता है, जिसके कारण ये लैंगिक लक्षण प्रकट होने लगते हैं। वो बाहरी स्तर से भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है और आंतरिक स्तर से भी वो स्पष्ट रूप से दिखता है मादाओं में। इसके बाद हम आते हैं दूसरा भाग है इसका मादा जनन तंत्र का गर्भाशय, जिसको हम लोग यूट्रस बोलते हैं। गर्भाशय ये जो आप बड़ा सा भाग देख रहे हैं जहाँ पर भ्रूण का निषेचन होता है, पोषण होता है, विकास होता है, इसी बड़े से भाग में इसका शुक्राणुओं का विकास होता है। अंडाणुओं का शुक्राणु जब अंडाणु के साथ मिल जाता है तभी उसका निषेचन होना प्रारंभ होता है यहाँ पर गर्भाशय के अंदर में। तो ये जो गर्भाशय हम देख रहे हैं ये क्या है, मांसल नुमा त्रिभुजाकार अंग है जो सामान्यतः इसकी जो लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर इसका मोटाई होता है। तो इस तरह से इसका देखते हैं ये गर्भाशय। इसका कार्य क्या है, ऋतु स्राव चक्र का संचालन करना। ऋतु स्राव चक्र जैसे महिलाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होता है, जो प्रत्येक महिलाओं में ये प्रत्येक मंथ के
दो चार पांच दिन में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें कुछ बेकार जो रक्त होता है उसका गर्भाशय के माध्यम से बाहर निकलता है, उसी को हम लोग ऋतुस्राव कहते हैं। गर्भ धारण करना और गर्भ का पोषण करना ये गर्भाशय के माध्यम से ही होता है। गर्भ का परिवर्धन एवं विकास करना जो भ्रूण इसमें आता है, जो इसके अंडाशय के और पुरुषों के जो योनि मार्ग के माध्यम से जो पुरुषों का शुक्राणु अंदर प्रविष्ट करता है, जब मादा के अंडाणु से दोनों मिल जाता है तब वहां पर उसका निषेचन और विकास जो होता है भ्रूण का, ये गर्भाशय में ही होता है। इसके बाद तीसरा अंग है डिंबवाहिनी, जिसको फॉलोपियन ट्यूब कहा जाता है। फॉलोपियन ट्यूब यहाँ पर दिखाया गया है। ये क्या है कि ये प्रत्येक अंडाशय के पास एक किपनुमा आकार की रचना है जो गर्भाशय से जुड़ा होता है। प्रत्येक 28 दिन के बाद अंडाशय बारी बारी से अंडाणुओं को उत्पन्न करते हैं। ये जो अंडाशय आप देख रहे हैं ये 28 दिन के बाद बारी बारी से अंडाणुओं को उत्पन्न करता है, और ये जो किपनुमा आकार नलिका आप देख रहे हैं फॉलोपियो नलिका, इसी के माध्यम से ये अंगुली है जो इस अंडाणु को कैच करके इसी नलिका के माध्यम से गर्भाशय के अंदर प्रविष्ट कराता है, जहां पर उसका शुक्राणुओं के संपर्क में आता है और वहां पर वो भ्रूण का निषेचन होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद इसका कार्य क्या है, अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाना और निषेचन में सहायक स्थान उपलब्ध कराना जो गर्भाशय के अंदर वो उपलब्ध कराता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अंग आप देखेंगे योनि, जिसको हम लोग बोलते हैं, यह एक लंबी एवं मांसल नली है जिसकी लंबाई मादा की लंबाई पर निर्भर करता है। और यह इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो यह पुरुषों के शिशन को अंदर जाने प्रविष्ट करने का रास्ता प्रदान करता है। शिशन से स्खलित वीर्य को गर्भाशय तक ले जाता है, जो यहाँ पर तीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किए हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुरुषों की योनि के माध्यम पुरुषों के शिशन के माध्यम से जो वीर स्खलित होता है वो इसी मार्ग से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचता है। इसके बाद गर्भाशय में जो स्राव होता है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। इसके बाद गर्भस्थ शिशु को जब शिशु पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तब उसको बाहर निकलने में अर्थात शिशु के जन्म में यह योनि रास्ता प्रदान करता है जिससे शिशु बाहर आता है। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से मादा जनन तंत्र के अलग अलग भाग आंतरिक संरचना किस प्रकार से अलग अलग कार्यों को अंजाम देती है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत हद तक इस चित्र के माध्यम से और जो हमने आप लोगों के सामने विवरण दिया बहुत कुछ समझ में आया होगा। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।